आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिहार में राशन कार्ड का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रक्रिया से गुजरना हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना हो, किन चीज़ को आप कैसे फिलअप करेंगे जिससे आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने की कोशिश किया हूँ कि कौन से मिस्टेक नहीं करना है। अगर वो मिस्टेक आप कर लेते तो आपका राशन कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो शुरू से अंत तक आप देखिए ताकि आप समझ सके कौन से मिस्टेक नहीं करना है और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है न्यू राशन कार्ड अप्लाई के लिए, क्योंकि अब बिहार सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उसके लिए आपको जाना होगा जीसान मॉनिटर की वेबसाइट पे, आपको गूगल पे लिखना है जीसान मॉनिटर। जैसे आप गूगल पे लिखेंगे जीसान मॉनिटर सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आ गए। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा जीसान मॉनिटर डॉट इन की वेबसाइट, इस पे आपको क्लिक करना है और जीसान मॉनिटर की डॉट इन की वेबसाइट पे आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे सरकारी योजना में आपको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल तो यहाँ पे आपको पोस्ट जो मिलती रहेगी, यहाँ पे देखेंगे कि बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई का पोस्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है बिहार राशन कार्ड अप्लाई 2022, इस पे आपको क्लिक करना है। जिसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिहार राशन कार्ड की पोस्ट आपको दिखने को मिल जाएंगी। बिहार राशन कार्ड फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, क्या अपडेट आई है, कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, कौन से प्रकार के राशन कार्ड क्या दर्शाते हैं, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिएगी और क्या क्या दस्तावेज आपको लगने वाले हैं और कैसे आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के सामने जो क्लिक करके बटन, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिलेगा। उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको टू रजिस्टर क्लिक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर करके अकाउंट बनाएंगे, जितने भी आदमी का आप राशन कार्ड अप्लाई करेंगे सभी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन में एक ही आदमी का अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको आवेदन करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल नेम देंगे, यानी कि फैमिली में जो भी लेडीज में हेड है, ठीक है, फैमिली में लेडीज में जो हेड है, ठीक है, उनका डिटेल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय देंगे। जैसे कि कोई फैमिली में पति पत्नी और बच्चे हैं तो यहाँ पे उनकी पत्नी का डिटेल देंगे, यानी कि फैमिली में जो महिला में हेड है उनकी डिटेल यहाँ पे देंगे ताकि आपका राशन कार्ड रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे महिला हेड जो फैमिली में उनकी नाम अंग्रेजी में डालेंगे, यहाँ पे हिंदी में डालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया और यहाँ पे हिंदी में अपना अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक दे देगा। अगर ये स्पेलिंग गलत हो रहा है तो आप गूगल इनपुट टूल का मदद ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों अनिवार्य है आपके लिए। तो अंग्रेजी में नाम, हिंदी में नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर जो दिखने को मिलेगा, ये कैप्चर आपको यहाँ पे इस बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। कैप्चर डालने के बाद ये डिटेल पूरी फिलअप करेंगे, उसको गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया था रजिस्ट्रेशन समय, यानी कि पीछे उस पे ओटीपी गया है 6 अंक का ओटीपी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इस ओटीपी वाले बॉक्स में एंटर करना है। चलिए हमें जो मोबाइल पे रिसीव हुआ ओटीपी, वो ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे ओटीपी वाले बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर जो दिखने को मिल रहा है, इस कैप्चर को हम कैप्चर वाले बॉक्स में एंटर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे मैंने कैप्चर एंटर करा, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे उन्हीं के देना है, फैमिली में जो लेडीज में हेड है, ठीक है, फैमिली में जो हेड है उनका देना है। अगर कि जिसके फैमिली में लेडीज कोई हेड नहीं है तब जेंट्स देना है। तो अगर कोई लेडीज हेड, यानी कि अगर परिवार में पति पत्नी और बच्चे हैं तो यहाँ पे उनकी पत्नी का डिटेल देना है, यानी कि लेडीज फैमिली के लेडीज जो हेड है उनकी डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन करने देना होता है, क्योंकि राशन कार्ड में जो हेड होते हैं वो फैमिली ही होते, फैमिली के जो हेड होते हैं महिला मेंबर वो हेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको फैमिली के लेडीज हेड को देना है, उनका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, उसको आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एरिया का पिन कोड डालना है, जो भी एरिया का पिन कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड आपको रख लेना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहें लॉग इन करने के लिए वो पासवर्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पासवर्ड रख दिया है, अब उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, जो हमने पासवर्ड वाले बॉक्स में डाला था उसी पासवर्ड को सेव हमें कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। उसका जो कैप्चर दिखने को मिला, इस कैप्चर वाले बॉक्स में कैप्चर डालेंगे, उसके बाद रजिस्टर बटन पे, उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे देखिए रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे हमें लॉगिन आईडी दिया गया है। अब इस लॉगिन आईडी की मदद से हम लॉगिन कर सकते हैं, ये लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें मोबाइल पे भेज दिया गया है, इसे आप कॉपी करके नोट करके रख ले। चलिए हमने कॉपी कर लिया, नोट कर लिया है।
उसके बाद यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली से क्या करना है, फिर से जाना है जीसान मॉनिटर की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको लॉगिन के सामने जो क्लिक हेयर का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के सामने क्लिक हेयर का बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको लॉगिन आईडी डालना है जो आपको मिला था और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालेंगे, और कैप्चर जो यहाँ पे दिखने को मिला है ये कैप्चर डाल के ये लॉगिन डिटेल डाल के आपको लॉगिन हो जाना है। चलिए हम डिटेल डाल के लॉगिन हो जाते हैं। हमने लॉगिन डिटेल एंटर कर चुका, उसको लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा लॉगिन डैशबोर्ड है। यहाँ पे दिए गए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड और बैंक पासबुक और आवासीय और पूरे फैमिली के साथ आधार कार्ड और जो भी मुखिया है हेड है उनका सिग्नेचर लगेगा। अगर विकलांग भी है कोई तो उनका सर्टिफिकेट देना होगा, अगर है तो सर्टिफिकेट, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं और डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको जीसान मॉनिटर की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जहां से आपने ये लिंक पे क्लिक करके यहां पे आया होगा। उसके बाद अप्लाई करने के लिए ऊपर में आपको अप्लाई बटन मिलेगा, यहां पे देखेंगे अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको फिर से हम दिखा देते हैं डॉक्यूमेंट। ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, जिसमें अपना आधार कार्ड, सभी फैमिली मेंबर का आधार कार्ड और फैमिली में जो हेड है मुखिया है उनके बैंक पासबुक और जो भी मुखिया है फैमिली के उनके आवासीय प्रमाण पत्र और पूरे फैमिली के साथ एक संयुक्त यानी कि फुल फोटो होना चाहिए। उसके बाद जो भी मुखिया है उनका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर फैमिली में कोई दिव्यांग है विकलांग है तो उनकी सर्टिफिकेट आपको लगानी है, अगर सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू अप्लाई आ जाएगा। न्यू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अप्लाई, उसके बाद ये न्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रूरल या अर्बन, यानी कि पूछ रहे हैं आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं। अगर ग्रामीण से हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ जिनका वो रूरल से यानी कि ग्रामीण से है तो हम रूरल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें ये जो हमारा अकाउंट है लॉग आउट हो चुका है, वो बहुत समय हो चुका है हमारे हमें लॉगिन का, इसलिए हमें फिर से लॉगिन करने के लिए कह रहा है। हम फिर से लॉगिन हो जाते हैं, हमने फिर से अपने अकाउंट को लॉगिन किया अप्लाई, उसके बाद फिर रूलर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाएगा। यहाँ पे जिला ऑटोमेटिक सेलेक्ट, यहाँ पे अनुमंडल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक है जिनका अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पंचायत सेलेक्ट करना, पंचायत जो भी पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी ग्राम है वो ग्राम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिसका आप रजिस्ट्रेशन किए करते समय डिटेल दिए थे उनकी नाम वगैरह आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप दिखने को मिल जाएगा, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ उनके पति या पिता का नाम अंग्रेजी में डालेंगे, जो भी इनके पिता या पति का नाम वो अंग्रेजी में आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसा कि देख पा रहे मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में उनकी पिता या पति कोई एक का नाम डाल देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पति का नाम डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पति या पति का पति या पिता का हिंदी में नाम डालेंगे, तो अंग्रेजी में लिख के स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में लिख के स्पेस बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे पूरा आवासीय पता जो भी कस्टमर उनका फुल एड्रेस यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जो भी उनका एड्रेस होगा उसको वो फिलअप आपको इस बॉक्स में करना होगा। ठीक है, एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक सेलेक्ट करना है, जेंडर मेल या फीमेल जो भी है लिंक वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हीं की डिटेल डालनी, जो भी फैमिली के मुखिया उनकी डिटेल डालनी, फैमिली के मुखिया की डिटेल अभी डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी मेंबर का डिटेल यहाँ पे नहीं डालेंगे, फैमिली में जो मुखिया है उनकी डिटेल हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, जिसका हम रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे, कैलेंडर से पहले यहाँ पे हम साल सेलेक्ट कर लेते, जो भी साल की इनकी डेट ऑफ बर्थ है साल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मंथ चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चलिए 1 जनवरी यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ उम्र जो है ऑटोमेटिक फिलअप आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ वैवाहिक स्थिति यानी कि मुखिया जो वैवाहिक है या अविवाहित है या विधवा है या तलाकशुदा है जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मेरे केस में विवाहित विवाहित सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्डधारी से संबंध यहाँ पूछ रहा है, तो ये मुखिया है जिसका हम डिटेल यहाँ पे फिलअप करें, ये फैमिली के मुखिया है, तो हम सबसे ऊपर वाला ऑप्शन यानी सॉन्ग वाला सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो मेंबर है ये फैमिली के मुखिया। ठीक है, यानी कि लेडीज जो फैमिली की मुखिया है राशन कार्ड में, तो वो हम सेलेक्ट कर चुके, ये डिटेल हम फिलअप कर चुके। उसके बाद यहाँ पूछा आपकी इनकी जाति क्या है, जो भी जाति पिछली अति पिछली सामान जो भी वर्ग है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इनकी जो व्यवसाय है कौन सा काम करते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर लेडीज मेंबर है मतलब कि मुखिया है वो कोई काम नहीं करती है तो आप यहाँ पे गृहिणी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आय का स्रोत, आय जो होता है इनको कहाँ से आय होता है, किनके द्वारा होता है, दुकान से होता है, खेती से होता है, मजदूरी से होता है, जिनके वजह जिनके
द्वारा इनकी आय आ रही है वो आय डालना होगा। चलिए यहाँ पे हम मजदूरी डाल देते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखे हैं, हिंदी में कन्वर्ट नहीं ले रहा है। तो हम यहाँ पे गूगल इनपुट टूल पे जाएंगे, गूगल इनपुट टूल लिखेंगे और यहाँ पे जैसे हम गूगल इनपुट टूल लिखेंगे यहाँ पे पहले ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ट्राई इट नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गूगल इनपुट टूल, यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करके हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अंग्रेजी में जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो हिंदी में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। जैसा कि आपने देखा मैंने मजदूरी अंग्रेजी में लिखा, ये हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया। हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हो चुका। उसके बाद कह रहा है मासिक आय, ये जो मेंबर है, ये जो मुखिया है, इनकी मासिक आय महीना की इनकम क्या है। तो यहाँ पे मासिक आय यानी कि ये मेंबर है इनकी महीने की क्या इनकम, कितना इनकम महीने में कितनी कमा लेते हैं ये, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, जो भी है वो यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनके आधार संख्या और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिलअप है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है विकलांगता, ये जो मेंबर है, ये जो फैमिली हेड है, मुखिया है, ये क्या विकलांग है, विकलांगता है या नहीं, अगर विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं नो है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल डालेंगे, यानी कि फैमिली के जो मुखिया है उनके बैंक डिटेल आपको यहाँ पे डालने होंगे, जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना है कौन से बैंक का इनका अकाउंट है। चलिए हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे हम इस लिस्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्च करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जिले में जितने भी स्टेट बैंक के ब्रांच है सभी के आईएफएससी कोड यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो भी आईएफएससी कोड इनका अकाउंट का है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, जो भी बैंक अकाउंट नंबर है मुखिया के, फैमिली के मुखिया के, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये पूरी डिटेल जो फैमिली के मुखिया का ही डालना होगा, और लेडीज मुखिया है तो वो डालिएगा, तब बेहतर होगा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। ये पूरी डिटेल देने के बाद आपको चेक कर, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, डिटेल देने के बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा, इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट कर लीजिए, आगे भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, इसे आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, नहीं तो जरूरी भी नहीं। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे फैमिली के जो मुखिया है उनकी डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे फैमिली के जो मुखिया है उनकी डिटेल ऐड हो चुकी है। अब इसी तरह फैमिली में जितने मेंबर सभी की डिटेल हमें ऐड करनी है, ठीक है। अब फैमिली के मुखिया जो थे, मेंबर थे, लेडीज थे, उसकी डिटेल हमने ऐड कर दिए। अब उनके हस्बैंड का, उनके पति की डिटेल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। उनके पति का नाम अंग्रेजी में इस वाले बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनके नाम हिंदी में डालेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। इसी तरह उनके फादर्स का नाम अंग्रेजी में यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में डालना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी हिंदी में यहाँ पे डालेंगे तो ये आ जाएगा। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है तो आप गूगल इनपुट टूल की मदद ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे दूसरे मेंबर का जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि ये ऐड कर रहे हैं, हमने मुखिया का ऐड कर लिया, अब उनके पति का यहाँ पे ऐड कर लें, उनकी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, उम्र यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ वैवाहिक स्थिति यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कारदारी के संबंध जो है वो संबंध यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे ये इनके सोहर पति है, यहाँ पे देखेंगे नीचे में आपको मिलेगा सोहर पति, ये वाले सोहर पति को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उनके पति का ये मेंबर का आधार संख्या यहाँ पे डालेंगे। आधार संख्या डालने के बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर एक ही पूरे फैमिली में तो आप एक ही मोबाइल सभी मेंबर को ऐड करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद यहाँ पे आपको इनके जो ये हस्बैंड है, ये मेंबर, ये कौन से काम करते वो आप यहाँ पे डाल सकते, जैसे खेतिहार मजदूर तो वो डालेंगे, आय के स्रोत इनकी क्या है, ये मजदूरी, तो मजदूरी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ये मेंबर की मासिक आय क्या है, ठीक है, ये मेंबर की मासिक आय जो वो सिलेक्ट करेंगे, क्या ये मेंबर विकलांग है, यस या नो आप सिलेक्ट करेंगे। ये मेंबर की हमने पूरी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो ये जो मेंबर है हमारा ऐड हो चुका है, ऐड सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यानी मुखिया के फैमिली मेंबर जो हैं, यानी कि मुखिया को हम ऐड कर चुके, उनके हस्बैंड को ऐड कर सकते। इसी तरह इनके फैमिली में जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चियां हैं, सभी को ऐड करना है। याद रखेंगे जो भी मुखिया उनकी डिटेल एक बार सबमिट करने के बाद दूसरी बार आप एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी मेंबर होंगे उनकी डिटेल को आप एडिट या चेंज बाद में भी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दोनों की यहाँ पे डिटेल ऐड कर चुके, लेकिन यहाँ मुखिया में एडिट और डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है और यहाँ पे जो मेंबर है उनके डिलीट और एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे मुखिया का और उन मुखिया के पति के जो डिटेल वो ऐड कर दिए। इस तरह जो भी उनके बच्चे हैं उन सभी बच्चे के भी डिटेल आपको ऐड कर लेने एक एक करके। हमारे इस ये एप्लीकेशन में पूरे फैमिली में 5 मेंबर है,
ठीक है, तो हम पांच दो का ऐड कर चुके हैं और तीसरा का ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चार मेंबर की डिटेल जो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम एडिट करना चाहे तो एडिट भी सीख कर सकते हैं, ठीक है, एडिट भी क्लिक करके इसे एडिट भी करना चाहे कर सकते हैं, या डिलीट भी करना चाहे तो आप डिलीट डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी डिटेल डालने के बाद अपडेट मेंबर भी क्लिक करके आप डिटेल मेंबर की जो डिटेल वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चार डिटेल मेंबर की डिटेल ऐड कर ले, और ऐड करने के लिए यहाँ पे अप्लाई पे जाएंगे और यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या नीचे में जो आपको ऐड का बटन मिलता है वहां से भी आप ऐड कर सकते हैं, या ऊपर अप्लाई पे जाएंगे एडिट एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ मेंबर पे क्लिक करेंगे। मेंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिर से मेंबर के लिए, तो आप यहाँ से मेंबर की डिटेल को ऐड कर सकते हैं। मैंने चार डिटेल ऐड कर लिया था, अब एक और डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पांचवा डिटेल है, ये पांचवा मेंबर है और अंतिम मेंबर है इस एप्लीकेशन, इस कस्टमर का अंतिम और पांचवा मेंबर है, इसे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने चार ऐड कर लिए, पांचवा मेंबर है, इसे भी हम ऐड करेंगे, ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो रहा है पांचवा मेंबर। यहाँ पे कह रहा है कि मेंबर की जो एज बॉक्स है वो खाली है, जिसे हम फिलअप कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे हमने सारी डिटेल फिलअप करके ऐड कर चुके हैं, ऐड सक्सेसफुल हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पांच मेंबर, इनको पांच मेंबर की डिटेल ऐड हो चुकी है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेंबर की डिटेल को ऐड कर लिया है, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऊपर में ही जाएंगे, और अगर और कोई मेंबर है तो और आप ऐड कर सकते हैं, मेरे केस में पांच ही था, मैंने पांच को ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे जाएंगे, अप्लाई पे जाने को एडिट एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल मेंबर डिटेल कर चुके हैं, मुझे करना है अब अपलोड डॉक्यूमेंट, जिसके लिए अपलोड डॉक्यूमेंट भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सबसे पहले आपको बता देते क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए फैमिली में जितने मेंबर है सभी का आपको आधार कार्ड अपलोड करनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ मुखिया का बैंक पासबुक आपको देना होगा, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, एक फोटो देना होगा, उसके बाद यहाँ मुखिया का सिग्नेचर देना होगा, अगर कोई विकलांग है तो विकलांग के सर्टिफिकेट देनी होगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, साथ साथ यहाँ पे एक फैमिली के फुल फोटो आपको अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो सभी डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ बनाएंगे, सभी डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ में बनाएंगे, सभी के आधार कार्ड, मुखिया के बैंक पासबुक, मुखिया के आवासीय। तो यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेते हैं। चलिए हमारे पास फोटो है, हम यहाँ पे ये वाले फोटो को हम अपलोड कर ले, जो भी ज्वाइंट फोटो है फुल फोटो है कस्टमर के, इसे हम सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आ चुकी है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पे मेंबर का मतलब मुखिया हेड का, मुखिया का जो सिग्नेचर वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, मुखिया का सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोटो सिग्नेचर के साथ साथ, उसके बाद आप देखेंगे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फोटो सिग्नेचर वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक टिक लग चुका है। अब ये जो ऑप्शन बच गया है, आधार कार्ड में टिक लगाएंगे, बैंक पासबुक में टिक लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आवासीय में टिक लगाएंगे, ये सभी में टिक लगा के, और जो डॉक्यूमेंट बच गया यानी कि सभी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवासीय, ये सभी का एक पीडीएफ बनाएंगे, सभी का एक पीडीएफ बनाएंगे जिसकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए, वो पीडीएफ का आपको नीचे में अपलोड करना होगा, ठीक है। जो भी मतलब डॉक्यूमेंट का है उनको पीडीएफ बना के यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करिए, सभी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना के चूज फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ आपको अपलोड करनी है, जिसकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपलोड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट जो हमारा अपलोड हो चुका है, नीचे आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर गो फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट करने के लिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा दिए कि जितने भी डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा, मिलाने के लिए आप सभी डिटेल को एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे हमने सारी डिटेल को चेक कर लिया, यहाँ मेंबर की भी डिटेल है जो कि आप देख पा रहे हैं, सभी मेंबर की डिटेल यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मेंबर की एज है, एक मेंबर की एज 33, 32, 10 और 84, यानी कि बच्चे का भी यहाँ पे नाम ऐड करवा सकते हैं, 4 साल तक के बच्चे का मैंने यहाँ पे नाम ऐड किया हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे सारी डिटेल को आप चेक करेंगे, आपकी डिटेल अगर सही है तो आपको क्या करना है, नीचे आना, नीचे आने में यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा, ये जो आपको ये अपने हिसाब से सभी में टिक मार्क लगाएंगे कि चार पहिया वाहन आपके पास है या नहीं है, तो यहाँ पे सभी में हम नो कर देते, सभी में नहीं कर देते, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे टिक मार्का लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिलेगा जो भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपको देखने को मिला था ऊपर, वो सभी एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल आप डाउनलोड करना चाहिए। डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करें पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो आप इस पे क्लिक करके उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करें, क्या कर रहा है सबमिट करने के लिए रेडी है, यस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा फाइनल सबमिटेड हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। सबमिट के बाद यहाँ पे आपको कोई रसीद नहीं मिलता, यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके ये प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। ये वाला जो फॉर्म है जो डाउनलोड किए थे इसी को प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं, यही उनको रसीद आप दे सकते हैं। इनका सबमिशन का मैसेज भी उनको मोबाइल पे मिल गया होगा, ठीक है। उसके बाद होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे मेरा स्टेटस क्या है, उसके लिए यहाँ पे आएंगे अप्लाई पे, उसके बाद ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप एप्लीकेशन जो है सबमिटेड हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया आप आज की इस वीडियो में सीख गए होंगे।